अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका जोरों से लगा है। इस झटके ने ना उन्हें अब सिर्फ नाम मात्र का सीएम बना दिया है। ये सच है, दिल्ली के असली बॉस तो अब एलजी होंगे, मगर इस झटके के बाद केजरीवाल आखिर करेंगे क्या? तो क्या है ये झटका, जानना चाहोगे आप? लेट मी टेल यू, वेलकम टू द बिग बेंच डेली। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। 131 वोट एनडीए के पक्ष में पड़े हैं और 102 वोट विपक्ष की इंडिया यानी INDIA के पक्ष में पड़े हैं। आपको पता है क्या, इस बिल के पास होते ही ना अरविंद केजरीवाल के सीने में तो जैसे कोई कांटा सा चुभ गया हो, सारा सपना उनका धरा का धरा रह गया, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब ये बिल कानून की शक्ल में आ जाएगा। तो अगर ओवरऑल में बात करूं तो इस कानून का मतलब आप ऐसे समझ लो कि अरविंद केजरीवाल के पास ना अब दिल्ली सरकार में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी कर्मचारी की पोस्टिंग या उसका ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं बचा है, एब्सोल्युटली। तो फिर सवाल अब ये बनता है कि अब अरविंद केजरीवाल करेंगे तो करेंगे क्या? तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि राज्यसभा में ये बिल पास ना हो। वो देश भर में घूमे थे, अलग अलग दलों से उन्होंने अपील की थी कि वो इस बिल के विरोध में वोट करें। इतना ही नहीं है, उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के लिए ना एकमात्र ये शर्त रखी थी कि इसी शर्त पर वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे जब सारा विपक्ष मिलके राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोक दे। अच्छा जी, वैसे आपको बता देती हूँ, विपक्षी दलों ने भी केजरीवाल को पूरा विश्वास दिलाया था कि चिंता मत करो भैया, सब लोग तुम्हारे साथ मिलके बिल को पास होने से रोक देंगे, मगर बिल तो पास हो गया और अब ये कानून बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस कानून में एक और बात है जो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी कर्मचारियों से जुड़ा कोई भी फैसला लेना होगा तो एक कमेटी उस पर विचार करेगी। ठीक है, इसमें दो सचिव स्तर के अधिकारी और अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे। अरविंद केजरीवाल इस कमेटी के चेयरमैन तो होंगे, मगर फैसला मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा। मतलब तीन में से दो लोग जो कहेंगे ना वो फैसला मान लिया जाएगा। इसीलिए सदन में अभिषेक मनु सिंघवी ने टॉट कसा था कि दिल्ली सेवा बिल में केजरीवाल को कमेटी का चेयरमैन तो बना दिया गया है, मगर वो बिना चेयर के चेयरमैन है, बताइए, जिनके पास कोई पावर ही नहीं होगी। ये अथॉरिटी में तीन व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों, कोरम है दो लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। वो सिर्फ सचिवों को फैसले लेते हुए देखेंगे। इन सचिवों को ना सिंघवी ने सुपर सीएम भी कहा था। ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा, और उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री। तो फिर अब सीधा सीधा अगर आपसे कोई सवाल करे कि दिल्ली का बॉस अब कौन होगा, तो बगैर किसी डाउट के कहा जा सकता है कि दिल्ली के एलजी। अब आप जरा सोचो कि केजरीवाल की सिचुएशन ऐसे में क्या होगी। वो होंगे तो दिल्ली के सीएम, मगर एक चपरासी तक का ट्रांसफर या पोस्टिंग वो नहीं करा पाएंगे। अगर आप मुझसे सच्ची सच्ची पूछो ना, तो अरविंद केजरीवाल की दुनिया इस बिल ने हाय रे उजाड़ के रख दी है। एक तो पहले से उनके पास दिल्ली की पुलिस नहीं है, दिल्ली की एक तिहाई जमीन केंद्र सरकार की है, निगम के भी ज्यादातर इलाके केंद्र सरकार के ही हैं, तो फिर उनके पास एक्चुअली बचा क्या, तंबूरा? अच्छा, दिल्ली किसी और का दिल हो या ना हो, मगर अरविंद केजरीवाल का दिल तो ये जरूर है। देखिए ना, अन्ना की गोद से उतर के अरविंद केजरीवाल ने सियासत की पहली चाल दिल्ली से तो चली थी, यानी दिल्ली तो केजरीवाल की जड़ है, मगर ये क्या, यहाँ तो जड़ ही कमजोर हो गई। पंजाब तो आम आदमी पार्टी को वैसे भी बोनस में मिला हुआ है, उनकी राजनीति की असली ताकत तो दिल्ली ही थी, मगर यहाँ भी मामला टाइम टाइम फिस हो गया। एक बात और, जब आप सरकार में होते हो ना तो आपका विधायक, आपका पार्षद, आपका कार्यकर्ता और आपकी जनता जिसने आपको वोट दिया है भाई, वो चाहते हैं कि उनके इलाके में काम हो, कौन नहीं चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर अगर कहता है कि उसके इलाके का इंजीनियर अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको हटा दीजिए, तो केजरीवाल ना उसको भी नहीं हटा पाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई अधिकारी बहुत ही बढ़िया काम करता है, जनता कहेगी कि भाई इसको इनाम दो, इसको यहीं पे रहने दो, तो केजरीवाल इनाम भी नहीं दे पाएंगे। भाई यही तो राजनीति की डेफिनेशन है कि जनता जब मांग करे तो सरकार उसको पूरा कर दे। और अगर आप जवाब में उनसे ये कहोगे कि भाई हमारे पास तो ये करने की ताकत ही नहीं है, तो क्या होगा, जनता ये सोचेगी ना कि जब इनके पास कुछ करने कराने की ताकत ही नहीं है तो फिर काहे फ्री फंड में हम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं इनके लिए, हाँ? है कि नहीं? अब एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब विपक्षी गठबंधन में रहना चाहेंगे? ओके,
तो ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो एकमात्र इसी शर्त के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने थे कि विपक्षी दल राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोकेंगे, ठीक है? मगर बिल तो पास हो गया, अब क्या? अरविंद केजरीवाल का जो पर्पस था वो तो डिफ्यूज हो गया। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल को ना ये अच्छे से पता है कि लोकसभा चुनाव में वो कोई पहाड़ तो तोड़ नहीं देंगे। हाँ, 2-4 सांसद जीत जाएं उतना ही काफी है उनके लिए, और वो तो यही चाहते थे ना कि दिल्ली और पंजाब में उनका जलवा कायम रहे। मगर दिल्ली का मामला तो अब बिगड़ चुका है, अब महागठबंधन में रहकर अरविंद केजरीवाल को सिर्फ कुर्बानी ही देनी होगी, दैट्स फॉर श्योर। इसको तो आप डिसाइडेड मानिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ना राज्यसभा में सिंह भी खूब बोले हैं, उन्होंने तो दोस्ती पूरी निभाई है। अब दोस्ती निभाने की बारी जानते हो किसकी है? अरविंद केजरीवाल की और किसकी? क्योंकि देखिए, पंजाब में कांग्रेस कोई यूं ही तो नहीं खड़ी हुई है, जाहिर सी बात है कि वहां वो आम आदमी पार्टी के बराबर की सीट मांगेगी, है ना? तब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या दे पाएंगे कांग्रेस को उनके मन मुताबिक सीट? आप बताइए, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा है। बात अगर दिल्ली की करूं तो दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एकदम फाइट वाला सीन चलता रहता है, मस्त युद्ध चल रहा है ना? अब कांग्रेस अगर केजरीवाल से यहां कहेगी कि भाई देखो, 7 सीटें हैं, 4 पे हम लड़ लेते हैं, 3 पे तुम लड़ लो, तो क्या अरविंद केजरीवाल को यह सौदा मंजूर होगा? सोचने वाली बात तो है। थोड़ा और डिटेल में आपको समझा देती हूं। देखिए, इस साल ना मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस केजरीवाल से कहेगी कि भैया देखो, आप राजस्थान से अलग रहो, क्योंकि यहां हमारी बीजेपी से सीधी सीधी लड़ाई है। यही हाल एमपी का भी है। तो क्या केजरीवाल मान जाएंगे? हाँ, वो अलग बात है कि अगर बिल पास ना हुआ होता तो हो सकता है कि केजरीवाल खुद को सेटिस्फाई कर लेते कि चलो भाई, दिल्ली का बॉस तो मैं ही हूं, मगर यहां तो केजरीवाल की झोली बिल्कुल खाली सी नजर आ रही है हमको। और आपको पता है क्या, जब केजरीवाल कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे तो केजरीवाल को कांग्रेस क्यों अपने ऑटो रिक्शा में बिठाएगी? अगले सिग्नल पे जाके उतार नहीं देगी? कह देगी टाटा बाय बाय भैया, जाओ अब यहां से, है ना? आई एम श्योर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं इतना कुछ एनालाइज क्यों कर रही हूं। देखिए, अभी पिक्चर बाकी है, ये तो आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। वैसे आपको गुजरात वाले चुनाव तो याद ही है ना? गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जितनी बुरी तरह से हारी है ना, उतनी बुरी तरह तो वो कहीं भी नहीं हारी है आज तक। और कांग्रेस का ये हाल जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि यही झाड़ू वाले भाई साहब वहां लड़े। तब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस की बिल्कुल बैंड सी बजा दी थी। अब केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे आगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? हाँ, अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि आदमी भगवान की शरण में भी जाता है ना, तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 101 मनोकामनाओं की जो लिस्ट होती है ना, वो भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा देता है ना? तो फिर ये तो राजनीति है। जनता को जब लगेगा कि हमारा नेता हमारे किसी काम का नहीं रहा है, फिर वो क्या करेंगे? क्यों ही उसके नाम का नारा लगाएंगे? और फिर आते हैं उसी सवाल पे कि आप केजरीवाल करेंगे तो करेंगे क्या? आपका इस पे क्या कहना है, आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। एंड यस, फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।